नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। आज का ये केस बड़ा ही अनोखा है, जहां कातिल तक पहुंचने के लिए पुलिस के पास ना तो कोई ठोस सुराग था और ना ही कोई ठोस दलील। इस पेचीदा केस को सुलझाने में पुलिस ने दिन रात एक कर दिए। सांपों का जहर इस्तेमाल करके बहुत लोगों को मारा जाता है। कायरे होता है का? अन भाई हाँ बंद तू अंदर सांभाळो ना बटन चालू करा। वाह हो गया आनंद भाई। हाँ अपना काम हो गया अंदर। अरे आनंद दादा, अरे आई बाबा की शादी की सालगिरह है, ऐसे काम के पैसे थोड़ी लूंगा। नहीं नहीं ये तो साहिब बड़े साहब कुटे है तिकड़े। साहिब माजी कंप्लेन लून गया, मेरे घर में चोरी हुई है। बस हाँ साफ साफ बोलो क्या चोरी हुआ है। वो साहिब मेरे घर से बोला सांप चोरी हुई है। क्या सांप घर से? ये घर में सांप क्या कर रहे थे? साहिब मैं एक सर्प मित्र है, सांपों के बारे में लोगों के मन में काफी गलत फहमियां होती हैं, जिस वजह से काफी सांप बेवजह मारे जाते हैं। मैं उनकी जान बचाने की कोशिश करता हूं साहब। आज तक 30,000 से ज्यादा सांपों की जिंदगी बचाई है मैंने साहब। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सांप को घर में क्यों रखते हो? कोई गलत इरादा तो नहीं है? अरे नहीं नहीं साहब, कोई गलत इरादा नहीं है। मैं लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्नेक कैंप्स करता हूं। तो भाइयों, सांपों के बारे में हम सबको बहुत सारी गलत फहमियां होती है कि सांप काट देते हैं, सांप इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन ये सच बात नहीं है। सांप इंसान के दोस्त होते हैं, वो कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते जब तक आप उनको तकलीफ ना पहुंचाएं। हमारे देश में कई प्रकार के सांप मिलते हैं, उसमें से एक प्रजाति है नाग, किंग कोबरा। इनका जहर बहुत तेज होता है, लेकिन ये कभी भी पहला हमला नहीं करता। सांपों को खोजना, उन्हें जंगल में छोड़ना मेरा काम है, लेकिन ये मामला चोरी का है तो आपकी मदद चाहिए मुझे। फिर सांप विषारी होते का? मुझे ज्यादातर घर में रहने वाले सांप विषारी नहीं होते, पर वो सालवी क्या वो सर इनके घर पे चोरी हुई है, वो भी सांप। सांप साफ साफ बताओ क्या माजरा है। साहब मैं एक सर्प मित्र हूँ, पिछले हफ्ते शास्त्री नगर से मैंने 4 सांप पकड़े थे। वैसे तो जहरीले सांप मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे देता हूँ, या उन्हें इन्फॉर्म करके मैं जंगल में छोड़ आता हूँ। आपकी बार में भी इन्फॉर्म कर दिया था उनको, पर थकान की वजह से मैं जंगल नहीं जा पाया सर। कौन से सांप थे? नाग होते साहब। कैसे हुई चोरी? सर मैं अपनी फैमिली के साथ फिल्म देखने गया था, तो घर वापस लौटा तो देखा तो ताला टूटा हुआ सर। देखो ये ताला कैसे टूटा, हम तो दरवाजे बंद करके गए थे। क्या घर तो ठीक ठाक सा है। मेरे सांप नहीं ना, मेरे चारों सांप। अरे ये सब सांप मुझे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देना था। घर से कुछ और भी चोरी हुआ है? नहीं साहब, सिर्फ 4 सांप। आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। खुश रहो। वाओ वाओ। नमस्कार बड़े सर, अभिनंदन। कांग्रेचुलेशंस मिसेस पाटिल। अच्छे लग रहे हो एकदम, लक्ष्मी नारायणाचा जोड़ा दिसतो बरं का? हो लक्ष्मी से यार। अरे लक्ष्मी सामने लक्ष्मी जी। अरे लक्ष्मी जी ए गिफ्ट नहीं लाए तू? नहीं लाए? सॉरी मिसेस पाटिल, नो गिफ्ट। वैसे भी ये हमारे छोटे मोटे गिफ्ट से आपको
कहाँ तसल्ली मिलेगी, कहाँ पसंद आएंगे हैं? हमारा बड़ा गिफ्ट तो आपने हमसे छीन लिया, हमारे बाबा छीन लेना। ये चोरी सच में हुई है या तुमने ही कुछ करवाया? काय बोलता तुम्हें, मैं अपने घर में चोरी कराऊंगा क्या? चार जहरीले सांप पकड़ के तुम घर लाते हो, फिर लापरवाही में उन्हें घर छोड़कर पिक्चर देखने चले जाते हो और चोरी हो जाती है सांप का है। तुम्हारे अलावा कोई और भी जानता है इन सांपों के बारे में? सर मैं, मेरी बीवी नैना, मेरा बेटा राहुल, मेरा छोटा भाई प्रदीप घर पे रहते हैं। चारों को सांपों के बारे में पता है सर। लोगों की जिंदगी का सवाल है सर, प्लीज मेरी मदद कीजिए। चलो सर, लव करें सर। सर आइए सर, ये देखिए। बड़ी सफाई से ताला तोड़ा गया, किसी शातिर अपराधी का काम लगता है। सर आइए, सर ये चारों सांप यहीं पर थे सर, पता नहीं घर में कौन आया और सारे सांपों को ले गए। साली पूरे घर की तलाशी लो। सर ये कौन? साहब मेरा छोटा भाई प्रदीप है। ये जानता था सांपों के बारे में? नहीं। तुम्हारा भाई कहाँ है? साहब वो एकदम बेकार आदमी है, भटक रहा होगा कहीं इधर उधर काम के बहाने। इसके पास घर की चाबी रहती है? नहीं साहब, हम नहीं देते उसे घर की चाबी। सर अंदर कुछ नहीं मिला। इस वक्त ये कहाँ है? साहब होगा पुराने खंडर में, यार दोस्तों के साथ छुआ खेल रहा होगा। सालवी फोटो लो। सर तो यार नसीब खराब है यार, दोबारा पट्टे मारो यार। सांप बेच के यार जुए में पैसे उड़ा रहा है। कौन सा सांप? सांप मुझे कुछ नहीं बोला था सांप के बारे में। देख तेरे भाई दिलीप ने रिपोर्ट लिखाई है, उसके घर से सांप चोरी हुई, वो भी चार चार। अच्छे दाम मिले होंगे ना सांपों के? किसको बेचे सांप? तस्करी करता है सांपों की। साहब मैंने कोई सांप की चोरी नहीं की है, ये सांप की चोरी वाली बात तो मुझे आपसे पता चली है सर। दिन भर कहाँ था तू? दिन भर मैं शहर में था, काम ढूंढ रहा था सर। काम नहीं मिला तो फिर भटकते भटकते 2:30 बजे यहाँ पे आ गया साहब। जुआ खेलने ये जो करते हुए तू पकड़ा गया ना, उसके लिए भी तुझे अंदर डाल सकता हूँ मैं? नको साहब, मैं आज के बाद कभी जुआ नहीं खेलूंगा साहब, सच कह रहा साहब, मुझे छोड़ दो साहब। हमारे देश में सांपों को लेकर कई मान्यताएं हैं, कहीं श्रद्धा से इन्हें पूजा जाता है तो कहीं अंधश्रद्धा के घेरे में जकड़ा जाता है। पर बावजूद इसके स्नेक बाइट से मरने वालों में लगभग 50% मौतें हमारे ही देश में होती हैं। शायद इसी वजह से रिहायशी इलाकों में सांपों को देखते ही लोग उन्हें मारने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं। हमारे देश में मिलने वाली सांपों की अनेक प्रजातियों में से सिर्फ 4 जहरीली हैं। लेकिन सांपों को मारना भी जुर्म है और इसके लिए सजा भी हो सकती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज क्राइम और ह्यूमन लाइफ को छोड़कर सांपों के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ। इसकी वजह है हमारा आज का ये अजीबोगरीब केस। सांपों को हथियार बनाकर खेला गया कत्ल का एक केस आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। सालवी मुझे लगता है ये किसी एक आदमी का काम नहीं, ताला किसी ने तोड़ा है और सांप किसी और ने उठाए, क्योंकि चार चार जहरीले सांप हैं। ये काम वही कर सकता है जो सांप पकड़ने में माहिर हो। चोरी दिन में हुई, किसी ने तो देखा होगा। घर में 4 जहरीले सांप है, ये सिर्फ दिलीप और उसकी फैमिली को पता था, तो अगर ये बात बाहर किसी को पता चलती है तो इन्हीं में से किसी के थ्रू होगी। सालविन के दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार और इस एरिया में जितने भी सपेरे हैं सबसे पूछताछ करो। सर पड़ोसी तो है लेकिन सांप के डर से इनके घर पे कोई आता नहीं है। सालवी हम किसी भी पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये कोई मामूली चोरी नहीं है। और हाँ इस दिलीप पे भी नजर रखो क्योंकि इस एरिया में वही एक सांपों का एक्सपर्ट है और हमारे शक के दायरे में भी। जी सर अपने खबरी नेटवर्क को एक्टिवेट कर। तुमसे अंदाजा बराबर है स्नेक बाइट लगता है रात को ही मरा है। सर जिन सांपों की चोरी हुई थी ये उनमें से किसी सांप का काम तो नहीं हो सकता है? दिलीप का घर यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर, कहीं ऐसा तो नहीं कि चोर से कोई सांप छूट गया हो? सालवी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संपर्क करो और उन्हें इस घटना की जानकारी दो। सर कोई जानता है ये यहाँ कब से था? हाँ साहब ये यहाँ पर 6-7 महीने से यहीं पर रहता था और इसका रोज झगड़ा गैरेज वाले के साथ होता था। सालवी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो।
वहीं से डिटेल्स पता चलेंगी। जहरीले सांपों की चोरी और इस भिखारी की मौत के बीच में क्या कोई कनेक्शन था? पुलिस इस केस में तुरंत कूद पड़ी, क्योंकि ये कोई आम चोरी नहीं थी बल्कि जहरीले सांपों की चोरी थी जिससे एक की मौत हो चुकी थी और आगे अभी न जाने क्या क्या होना बाकी था। आई बाबा, यही वो जगह है। अब ये पूरा प्लॉट हमारा होने वाला है। आप लोग अंदर चलिए, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अरे तू चल ना हमसे बरोबर, तू क्यों जा रहा है? आई, ये दत्ता का प्लॉट है, वो यहीं पर आने वाला था लेकिन कहीं दिख नहीं रहा। मैं उसे जरा गांव में देख कर आता हूँ। सालवी, पहले सांपों की चोरी, फिर 24 घंटे में एक आदमी की मौत, ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। इस मरने वाले भिखारी की कोई डिटेल्स मिली? नहीं सर, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिला। और फॉरेंसिक डॉक्टर से पता किया कि ये सांप कौन सी प्रजाति का है? सर बोल दिया है, शाम तक पता चल जाएगा। सालवी, जहरीले सांप खुले घूम रहे हैं, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। ये मौत एक इत्तेफाक भी हो सकती है, लेकिन मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, असल में खेल कोई और ही है। और हाँ, जिस दिन भिखारी की मौत हुई थी, दीप और प्रदीप की लोकेशंस का पता करो कि ये लोग कहाँ थे, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी खबर कर दो। जहरीले सांप घूम रहे हैं, खतरा बढ़ सकता है। सर, रेनू प्लॉट कैसा लगा? बहुत अच्छा है दीनू, और कितना बड़ा भी है। पर अब अगर कोई पर होगा तो तुम्हारे सपनों की उड़ान भरने के लिए, बाकी कोई पर नहीं। दुकान के मालिक तुम ही हो? हाँ जी। तूने ही मारा है ना उसे? मैंने तो सुना था कि वो सांप काटने से मरा है। सुना तो हमने भी बहुत कुछ तेरे बारे में, काफी पैंतरे आजमाए थे ना तूने उसे यहाँ से भगाने के लिए। हाँ, तकलीफ थी मुझे उससे, मेरे धंधे के आगे दिन रात पड़ा रहता था और गंदगी फैलाता था, बदबू के मारे साहब रहना मुश्किल हो गया था। तो मरवा दिया उसे, वो भी सांप से कटवा के। अच्छा हुआ साला मर गया, जान छूटी। तेरे दुकान के सामने उसकी मौत हुई है, तू हमारे शक के गहरे में है, हर पल तुझ पे हमारी नजर रहेगी। चलो चले, ये तेरा टिफिन है और ये पानी की बोतल। अरे सांप के काटने से भिखारी की मृत्यु, देख देख तेरे बाबा का नाम आ गया। कहाँ थे? ये देखो ये क्या लिखा है, और इसमें इसमें आपका नाम। बाबा आपके आपको पुलिस पकड़ लेगी। एक कपट तू, मैंने क्या किया जो पुलिस मुझे पकड़ के लेके जाएगी? हाँ तू स्कूल जा, जा स्कूल, जा स्कूल लेके जा। बरोबर, चल चल और संभल के जाना। हाँ हाँ, वापसी में लेके आऊंगा उसे। ठीक, नर्स नर्स प्लीज जल्दी डॉक्टर को बुला दीजिए, मेरे आई बाबा वहां पे इमरजेंसी है प्लीज। देखिए इन दोनों पेशेंट्स को बहुत क्रिटिकल हालत में लाया गया था। दिनकर पाटिल तो डेड ऑन अराइवल थे, उनकी पत्नी रेणुका, उनमें थोड़ी जान बाकी, हम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इंस्पेक्टर साहब, ये स्नेक बाइट्स का अनयूजुअल केस है। एक और स्नेक बाइट केस? लेकिन ये अनयूजुअल है, ये एक्सीडेंटल स्नेक बाइट नहीं है, कुछ और ही है। देखिए जनरली स्नेक बाइट हाथ या पैरों पे होता है। डॉक्टर साहब कोई अंदाजा है कि कौन से सांप हो सकते हैं? देखिए जहाँ तक मेरा अनुभव है, ये नाग हो सकता है। मेरे घर से सांप चोरी हुई है। कौन से सांप थे? नाग होते साहब। और बाकी डिटेल्स तो हमें पोस्टमार्टम में मिल ही जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। पाटिल फैमिली से यहाँ कोई है क्या? जी सर, कहीं हम लोग ही। क्या हुआ था सर? आई बाबा को प्लॉट पर अकेले छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। दोनों बहुत खुश थे और अचानक उन्हें सांपों ने काट लिया। यासा नहीं, मर्डर है। तुम्हारे बाबा की किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। जब ये घटना हुई उस वक्त तुम कहाँ थे? मैं
मैं आई बाबा को प्लॉट पे छोड़कर दत्ता झुंझले से मिलने गया था। दत्ता उस प्लॉट का मालिक है, वो प्लॉट पे ही आने वाला था लेकिन आया नहीं, इसलिए मैं उसे ढूंढने गांव चला गया था। अच्छा, घर पे प्रॉपर्टी को लेके कोई झगड़ा था क्या? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा का तो हर काम बहुत ही सटीक होता था, और सर उन्होंने तो पहले ही प्रॉपर्टी और पैसों का बंटवारा कर दिया था। घर में कौन कौन है? हम दो भाई, ये मेरी वाइफ हर्षा और ये मेरे छोटे भाई स्वानंद की वाइफ मनीषा। दोनों पति कहाँ हैं? सर वो बाबा ने दूसरी शादी की थी ना, तो उनका और रेनू का मौका नहीं जमता था तो वो नहीं आए। हमें मौका है वारदात पे ले चलो। जी सर। वहां पर मैं जब आया तब आई बाबा यहीं पर मिले सर। वाकई दत्ता को ढूंढने गए थे या? सर हम लोग सच्ची में दत्ता को ही ढूंढने गए थे। साधु नजर रखो इन दोनों। सर रेणुका जी के होश में आने के बाद काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। जो भी हो है तो ये मर्डर का केस ही, इसमें किसी चाकू या गन का इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि एक सांप को हथियार बनाया गया, जो करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसा या तो दिलीप जैसा सर्प मित्र कर सकता है या फिर कोई सपेरा। लेकिन सर एक सर्प मित्र ऐसा क्यों करेगा? पैसे के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। साल भी दिलीप और उसके परिवार के लोकेशन डिटेल्स आए क्या? सर मंगवाए, शाम तक आ जाएंगे। पापा वो स्कूल में टीचर बता रहे थे कि उन सांपों ने और किसी को भी काट दिया, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों सबके दुश्मन बन गए हैं? बेटा दुश्मन सांप नहीं, इंसान ही इंसान का होता है। तो फिक्र मत करो, मैं उन सांपों को ढूंढ निकालूंगा। पर पापा ऐसे सांपों को आप घर में ही क्या लाए? सर जमीन का मालिक दत्ता दो दिन से लापता है, पर यह भी पता चला है कि गांव का एक बिल्डर भरत देशमाने भी जमीन को खरीदना चाहता था, इसीलिए उसने दत्ता को धमकी भी दी थी कि जमीन किसी बाहर वाले को ना बेचे। साल्विक इस भरत देशमाने को थाने बुलाओ। पुलिस को अब यकीन हो चला था कि दिलीप मुकाशी ने चोरी का झूठा केस दर्ज कराया था। मेरे घर से सांप चोरी हुई है। क्या? सिर्फ चार सांप। और हो ना हो वो ही इस सब में शामिल था, और इसके अलावा कोई करीबी है जिसने उसे इस्तेमाल किया था। पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ने और इस केस से जुड़ी हर छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन को जमा करने में जुटी थी। उन्हें तलाश थी जमीन के मालिक दत्ता की। दत्ता के पीछे खबरियों को लगा के जल्दी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। नमस्कार साहब, देशमाने, भरत देशमाने नाम है मेरा। जमीन खरीदने का लालच इतना बढ़ गया था कि जमीन के मालिक दत्ता को गायब कर दिया और जमीन खरीदने वालों की जान ले ली। क्यों? छह प्रोजेक्ट चालू है सब मेरे, मुझे जमीन की इतनी जरूरत नहीं कि मैं उसके लिए किसी की जान ले लूं या किसी को गायब कर दूं। और रही बात धमकी की, तो मैंने उसे धमकाया नहीं था, समझाया था। फ्री में नहीं मांग रहा था जमीन, बाकायदा खरीद रहा था, वो भी अच्छे दाम देकर। ये एक मर्डर केस है, जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती शहर छोड़कर कहीं मत जाना। बिल्कुल नहीं जाएंगे साहब। और हाँ, कुछ मदद लगे तो जरूर याद करना। नमस्कार। कॉल रिकॉर्ड क्लीन होने का मतलब यह नहीं कि आदमी क्लीन है। नजर रखो इसको, एक एक आदमी से पूछताछ करो, पता करो क्या उस दिन कोई दूसरी गाड़ी भी गई थी उस तरफ। वैसे तो हमारे शक के दायरे में आनंद और सूर्य है, मगर फिर भी शायद कुछ हाथ लग जाए। पूरी फैमिली का रिकॉर्ड चेक कर। सर पुलिस ने पाटिल परिवार के सभी सदस्यों पर कड़ी नजर रखी और एक एक पहलू की बारीकी से जांच की। सर एक अहम सुराग हाथ लगा है। क्या? पूरे पाटिल फैमिली के कॉल रिकॉर्ड को चेक किया। स्वानंद, उसकी पत्नी मनीषा और आनंद की पत्नी हर्षा, इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स क्लियर है, लेकिन आनंद के कॉल रिकॉर्ड्स में सर्प मित्र दिलीप मुकाशी का नंबर मिला है। इस आनंद पे मुझे पहले से शक था, उठा के लाओ इसे। सर सर मित्र दिलीप को कैसे जानते हो? सर एक्चुअली हुआ यूं था कि एक बार हमारे कार में सांप घुस गया था, तो हमने दिलीप को ही बुलाया था।
बाबा ने उसे खुश होकर इनाम भी देना चाहा, लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया। बोल रहा था कि अगर हेल्प ही करनी है तो उसे एक नया लैब ओपन करना था, उसके लिए हेल्प करें। तो लैब के लिए पैसे का लालच देकर दिलीप से ही अपने बाप को मरवा दिया तुमने? सर ये आप क्या बोल रहे हैं सर, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया सर। क्या किया है, कैसे किया है, सब सामने आ जाएगा। साहब वो तो दो दिन से घर नहीं लौटे। तुम्हें पता नहीं क्यों गए? साहब गए होंगे हमेशा की तरह इधर उधर कहीं साहब को ढूंढते हुए। अगर घर लौटे या तुम्हें कांटेक्ट करें, फौरन थाने आके हमसे मिलने को बोलो। चलो। जी सर, सर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्द आपके सामने रिजल्ट होंगे सर। ठीक, जैन सर। सर दिलीप दो दिन से घर नहीं आए। मुझे लगता है ये कांड दिलीप और आनंद का ही किया हुआ है। हेलो, ठीक है सर, दत्ता का पता चल गया। हट जाइए यहाँ से, हटिए हटिए। दिनकर पाटिल के मर्डर स्पॉट से थोड़ी ही दूर पर जमीन के मालिक दत्ता की लाश का मिलना एक बहुत बड़े षड्यंत्र की तरफ इशारा करता है। सर दिलीप की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, हमारी टीम उसे अब भी तलाश रही है। सांपों को बिल से निकालते निकालते क्या खुद भी किसी बिल में छुप कर बैठ गया? खैर कब तक छुपे? रेणुका जी का क्या हाल? सर खतरा टल गया लेकिन अब तक होश नहीं है। और भारत देशमान उसकी कोई खबर? सर उसके घर और ऑफिस में पूछताछ की, पता चला वो दिल्ली गया हुआ। जैसे ही आता है उठाकर उसको लेकर आओ, ये प्रॉपर्टी का मामला है। हम इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं कर सकते कि इसमें किसी परिवार वाले का ही हाथ हो। पाटिल परिवार के हर मेंबर से अलग अलग पूछताछ करो, हर पहलू की जांच करो। सर सर एक हेलो। ठीक है सर, अस्पताल से फोन था, रेणुका जी को होश आ गया, उन्हें घर शिफ्ट कर दिया गया है। भाई संभालिए अपने आप को। रेणुका जी हमें अफसोस है कि आपके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, आप प्लीज हमें बताइए कि कैसे हुआ ये सब, कौन लोग थे वो, क्या आप उन्हें जानती हैं, क्या आपने कोई ऐसी बात महसूस की जो हमें उन तक पहुंचने में हमारी मदद करे? सब कुछ इतने जल्दी और अचानक हो गया कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। हमें ढूंढना है कि वो दोनों कौन थे। आपको किसी पे कोई शक है? नहीं। दत्ता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके मुताबिक उसके मरने का दिन और वक्त वही था जब दिनकर पाटिल की मौत हुई थी। यही उम्मीद थी, वही सांप वही टाइमिंग। सर पूरे पाटिल फैमिली की इंक्वायरी की, ऊपर ऊपर से तो सब कुछ ठीक है लेकिन कुछ अंदरूनी बातें सामने आई। जैसे उस प्लॉट पे रेणुका जी का सपना था कि एक बड़ा सा इंटरनेशनल स्कूल बने, और वो सपना पूरा करने के लिए दिनकर जी अपनी पूरी पूंजी लगाने की सोच रहे थे। दो बेटे हैं, दौलत हाथ से ना निकल जाए इसलिए बाप को मरवा दिया। दोनों भाइयों के बारे में क्या पता चला? सर बड़ा बेटा आनंद बड़ा ही शातिर और समझदार, उसने अपने लिए एक अलग सा घर बना भी लिया। उसकी बीवी हर्षा बड़ी सीधी सादी। छोटा बेटा स्वानंद नशे का आदि, हमेशा नशे में धुत रहता, अपने लिए कभी कुछ कर नहीं पाया। उसकी बीवी मनीषा, स्वानंद उसे हमेशा मारता पीटता इसलिए वो हमेशा चुपचाप रहती, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती। उठाओ सबको। सर सर बाबा ने सारी प्लानिंग मुझसे बताकर ही की थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उन्होंने घर के लोगों को ही स्कूल के ट्रस्टी बनाने का फैसला किया था। सर बाबा का फैसला एकदम सही था, वो आई का सपना पूरा करना चाहते थे, उनके लिए स्कूल खोलना चाहते थे, वो सबके लिए एक जैसा सोचते थे। सर हमारे घर में हर कोई अपने बारे में सोचता था। सर बाबा मुझे हमेशा मारते थे लेकिन वो भी क्या करते, मैं था ही नालायक बेटा। सर मेरे पति बिल्कुल खराब नहीं है पर शराब की आदत ने उन्हें इतना बिगाड़ दिया है कि हर रोज मारपीट की आदत हो चुकी है उनकी। बाबा की तो आदत ही थी सर, एक बार जो बात ठान लेते थे उसे वो पूरा करके ही मानते थे। भाई के सपने को उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद ही बना लिया था। मकसद तो नेक था लेकिन सर किसी ने नहीं सोचा था कि ये सब हो जाएगा। अगर ये मर्डर है तो घर वालों में से कोई मर्डरर नहीं हो सकता। करना तो बहुत कुछ चाहता था सर मैं, लेकिन मेरे घर में मुझे समझने वाला कोई नहीं था।
मेरे सपने चूर चूर करके बाबा उस बुढ़िया के सपने पूरे करने लगे। सर सारे सपने टूट गए, सब कुछ खत्म हो गया। सर ये सब नसीब का खेल होता है। ठीक है, अब जा सकते हैं। पुलिस ने बारीकी से प्लॉट का मुआयना किया तो पता चला कि वहां पहुंचने का दूसरा रास्ता भी है। इसी शक को आधार बनाकर पुलिस ने सभी ऑटो और टैक्सी ड्राइवर से पूछताछ की और उनके हाथ एक ऐसी अहम कड़ी लग ही गई जिसने इस केस को एक नया मोड़ दे दिया। साहब, ये धामाजी रोकड़े ऑटो रिक्शा वाला, इसने उसी दिन दो लोगों को छोड़ा था उस प्लॉट पे। हाँ साहब, उस दिन मैंने रिक्शा से दो लोगों को दत्ता के प्लॉट पे छोड़ा था, फिर वापस उनको बस स्टैंड में छोड़ दिया मैंने। उन दोनों में ये भी था क्या? नहीं साहब, ये नहीं थे। दोनों की शक्ल याद है, स्केच बनवा सकते हैं? हाँ साहब। जिस तरह बाइक को पीछे से टक्कर मारी गई है, लगता नहीं कि एक्सीडेंट का केस होना हो या मर्डर। सर इसे किसी बड़ी गाड़ी ने पीछे से उड़ाया है। आसपास के लोगों से पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा हो, कोई गाड़ी वाड़ी। एक ही परिवार के लोगों का बारी बारी से मारा जाना तो कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। लेकिन समझ में नहीं आता स्वानंद को कोई क्यों मारे, उसका होना ना होना किसी को कोई फर्क तो नहीं पड़ता। जिस तरह से ये मर्डर्स प्लान किए गए लगता है बहुत ही शातिर खिलाड़ी का काम है। पता करो कि घर वाला कोई किसी सुपारी किलर के कॉन्टेक्ट में तो नहीं। और हाँ, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर हेलो, ठीक है उठा लाओ उसे थाने। सर दिलीप घर पे लौटा है, उसे थाने उठा के लाने के लिए बोल दिया है। चोर रमेश कहाँ थे रे सर, कहाँ था इतने दिन? दिनकर पाटिल को मारकर कहाँ घूम रहा था? उनसे पैसे मांगे थे, मार दिया उन्हें। नहीं सर, मैंने दिनकर पाटिल को नहीं मारा सर। हाँ मैं जानता जरूर उनको, सब दिनकर पाटिल ही क्या, सब आसपास के गाँव वाले सब मुझे जानते। अब मेरी बातों का यकीन कीजिए साहब। और वो जो चार साहब खो गए थे ना साहब, उसमें से दो साहब मुझे मिले, हमें जंगल में छोड़कर आया साहब। मैं आपको बता नहीं पा रहा साहब। देखिए मेरे पास पुलिस डिपार्टमेंट का एक्नॉलेजमेंट भी है सर। देखिए सर, इस बार सांपों को घर नहीं ले गया, तेरा काम निकल गया था, इसलिए मौत का व्यापार करता है, खुद को सर्प मित्र बोलता है और मानव शत्रु का काम करता है। मैं सच कह रहा हूँ सर आपको। देखिए मैं अपना फर्ज ही निभा रहा था सर, मैं सर्प मित्र ही हूँ सर। अच्छा, ये तेरा दोस्त मौका है वारदात पे देखा गया था, आता बोल तुमसे क्या चालू होता। साहब ये संदीप मोरे है साहब, कुछ साल पहले मेरे साथ सांप पकड़ने में मेरी मदद करता था साहब, और उनकी देखभाल भी करता था साहब। कहाँ मिलेगा ये संदीप मोरे? कौन था जो ये मौत का खेल खेल रहा था, पाटिल परिवार को जड़ से मिटाने की साजिश रच रहा था? पुलिस ने हर दिशा में खोज शुरू कर दी। अभी अभी नागपुर पुलिस से इन्फॉर्मेशन मिली, इस दूसरे स्केच का मैच नागपुर पुलिस के रिकॉर्ड में मिल गया। इसका नाम मान्या जाधव, 8 से 10 साल पहले इसे वहां से दरी पार किया गया। सालवे, मुझे ये आदमी चाहिए। पूरे खबरी नेटवर्क को अलर्ट कर दिए, बहुत जल्दी हमारे सामने हो। साहब आपने जिसका स्केच दिया था वो बस्ती में आ गया है। क्या किया मैंने साहब? कुछ नहीं किया तो भाग क्यों रहा था? इधर को भागा साहब मैं, वो तो बस राउंड अप ही निकला था साहब। देख मन्या, तेरे बचने का कोई रास्ता नहीं, बेहतर होगा कि चुपचाप बता दे कि दिनकर राव पाटिल और स्वानंद पाटिल को क्यों मारा। किसका नाम गिना रहे हो साहब? साहब मैं नहीं जानता इनको, आई शपथ मैं इनको नहीं मालूम साहब। साहब मैं जला उलकत नहीं, मैं तला कसला मारना साहब।
ये तू ही है ना? गंगापुर से शिवर गांव तेरा भूत गया था, ये ऑटो में तू गया था ना, उसी ने ये स्केच बनवाया। गंगापुर शिवर गांव आज तक मैं नहीं गया सर। सब जरूर आप लोग को कुछ गलत फहमी हुई सर। ये मोटी चमड़ी का ऐसा नहीं मानेगा। सालवी, कानून के डंडे के आगे हर चमड़ी पिघल जाती। चल अब सच बता वरना तेरी खाल खींच लूंगा। हाँ सर, मैंने किया सर। कैसे किया वो बोल। ये संदीप मोरे सर्प मित्र दिलीप के पास काम करता था सर, इसे सांपों के बारे में थोड़ा कुछ पता था, तो मैंने ये सोचा कि वो लोगों को मैं सांप से ढसवा के मारूंगा तो पुलिस को मुझ पर कभी शक नहीं होगा। सफेद सांप और सर्प मित्र के पीछे घूमते रहे। चाल तो बहुत अच्छी चली थी तुम लोगों ने। सर हमने पहले ही प्लान करके रखा था सब, सिर्फ मौके की राह देख रही थी। उस रास्ते के भिखारी से क्या दुश्मनी थी, उसे क्यों मारा? इस वक्त हमने सांप छोड़ा था तब एक सांप छूट गया, शायद उसी ने उसको काटा होगा। दत्ता को क्यों मारा? तुम बेजुबान जानवर को बदनाम करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हो तुम लोग। किसके कहने पे किया ये सब? किसके कहने पे किया ये सब? क्यों किया ये सब? मेरा पति औरतों को पैर की जूती समझता था सर। लोगों को बाहर से ये घर स्वर्ग जैसा लगता था, लेकिन मेरे लिए नर्क से बदतर था। शिकायत तुम्हें अपने पति से थी, फिर दिनकर पाटिल और रेणुका पाटिल पर हमला क्यों करवाया? सर मेरे सास ससुर कभी मेरा साथ नहीं दिया, हमेशा अपने उस शराबी बेटे का साथ दिया। बाबा इन रोज रोज की किट-किट और मारपीट से मैं परेशान हो गई हूँ, और कितने दिन से हूँ मैं ये सब। एक पत्नी होने का हक कभी नहीं दिया उन्होंने मुझे। आई बाबा आप ही उन्हें क्यों नहीं समझाते कुछ? मैं हार गई उनसे। अब हार तो हम गए सुन भाई, और इसमें भी सिर्फ तुम्हारा दोष है। मर्द के पांव उस वक्त डगमगाते हैं जब औरत में काबिलियत नहीं होती उसे बांध के रखने की, तुमसे ज्यादा उसे शराब में सुख मिलता है इसलिए तुमसे दूर रहता है। मनीषा, पति को बांधना औरत का काम होता है और तुम उसमें फेल होती जा रही। स्वानंद को क्यों मरवाया? सर उसे नहीं मारती ना तो वो एक दिन मुझे मार देता था। बाबा के मरने के बाद स्वाहिल मुझे और भी परेशान करने लगा था। माना कि तुमने बहुत कुछ सहा है, झेला है, लेकिन इसका ये हल हरगिज नहीं था जो तुमने किया। जो जहर तुमने दूसरों की जिंदगी में घोला है ना, अब अपराध का वही जहर तुम्हारी बाकी की जिंदगी में घुल गया है। देखा जाए तो इंसान इन सांपों से ज्यादा खतरनाक होता है, जो वक्त पड़ने पर अपने दर्द को जहर में तब्दील करता है। ऐसे में दर्द देने वाला और उस दर्द से छुटकारा पाने के लिए जुर्म का रास्ता इख्तियार करने वाला दोनों ही दोषी होते हैं। यह दर्द ही हमारे जीवन में जहर भरता है और इसीलिए हमें इस जहर का पुख्ता इलाज ढूंढना चाहिए। दिलीप मोकाशी ने पुलिस की पूरी मदद की और वो आज भी सांपों की रक्षा के लिए कार्यरत है और लोगों के मन से सांपों का भय निकालने के लिए कैंप्स का आयोजन करता है। मनीषा की नाकाम शादीशुदा जिंदगी के मामले में दिनकर और रेणुका ने मनीषा को ही दोषी ठहराया, जिसका नतीजा मनीषा की नफरत के रूप में सामने आया और उसने बदले की आग में अपना ही घर चला दिया। दूसरों को मौत बांटने वाली मनीषा जेल की सलाखों के पीछे, जिस जहर से उसने खुशियां खोजने की कोशिश की वही जहर उसकी जिंदगी में खुल गया। इस जहर भरी जिंदगी से अगर कोई छुटकारा हो सकता था तो वो था इस विकृत सोच से छुटकारा।
मालूम है ना, मैं तीखा खाती हूँ, मीठा नहीं। हाँ भैया, मीठा मैं खाती हूँ, उसमें सिर्फ तीखा दो आप। सॉरी मैडम, गलती हो गया। कोई बात नहीं भैया, वैसे भी अलेक्जेंडर पॉप ने कहा है टू एयर इज ह्यूमन, यानी इंसान गलतियों का पुतला होता है। क्या मैडम, आप भी पोप का बोल के पपलू बना रहे हो ना मेरा। ये देख, चाची जी मैं बस मजाक। ठीक है ठीक है, जल्दी से चाय पियो और रेडी होकर बाहर आ जाओ, तुम्हारे चाचा जी को तुमसे बात करनी है। तुम दोनों सगी बहनें नहीं हो, लेकिन तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम सगी नहीं हो। पापा रिश्ता कोई भी हो, बट रिश्ता विदाउट दोस्ती इज नथिंग। अब जैसे मेरे लिए आप पापा ही नहीं दोस्त भी हो, वैसे मेरे लिए वंदना भी है। वंदना, कल तुम्हारी अपनी मम्मी और मामा से बात हुई थी ना? हाँ चाची जी, मम्मी से बात हुई थी। क्या कहा उन्होंने? ऐसे नॉर्मल बात हुई। अब मम्मी वरना यही रहेगी, वो बीटेक के बाद हम एमटेक भी साथ नहीं करेंगे। तुम चुप रहोगी? मानती मानती, अभी फिलहाल तुम लोग कॉलेज जाओ, हम शाम को बात करेंगे ना, शाम को बात करेंगे। वरना सच सच बता, कल ताई जी से तेरी क्या बात हुई थी? अदिति मुझे आज ही घर बुला रही है। मैंने कहा कि आज कॉलेज में प्रोजेक्ट सबमिशन है, इसलिए मैं कॉलेज ड्रॉप नहीं कर सकती। अदिति वो चाहती है मैं शिफ्ट हो जाऊँ और उनकी और मामा जी के साथ रहो। नो वेज, तू यहीं रहे। अगर ताई जी का तेरे बिना मन नहीं लगता ना, तो उनको भी यहाँ बुला ले। अदिति क्या हुआ? ये देख, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? इस तरफ देखो। अदिति अदिति नहीं नहीं, इसके मुंह लग के कोई फायदा नहीं है। हम ना घर जाते और चाचा जी को सब कुछ बताते हैं। सर मैंने ही फोन किया था आपको, यहीं किडनैपिंग हुई है। हाँ सर, हम लोगों ने रोकने की भी कोशिश की, लेकिन उन चारों में से एक के पास गन थी। ये देखिए सर वीडियो। ब्लैक स्कॉर्पियो, लास्ट डिजिट 7R। सेक्टर 22 से 143 पे किडनैपिंग हुई है, ग्रेटर नोएडा की तरफ निकले हैं, ज्यादा दूर नहीं पहुंचे होंगे। ग्रेटर नोएडा और दादरी की पेट्रोलिंग टीम को अलर्ट करो। राइट सर। नहीं सर, पहचानते तो नहीं है, लेकिन हाँ अक्सर इन लड़कियों को इस गोलगप्पे वाले के पास खाते हुए देखा है। ये गोलगप्पे वाला कहाँ है? अभी तक तो यहीं था सर। सिंह पता करो गोलगप्पे वाला कहाँ है। ओके सर। दो लड़कियों को ब्लैक स्कॉर्पियो में किडनैप किया गया, ग्रेटर नोएडा और दादरी की पेट्रोलिंग टीम अलर्ट रहे। हेलो, आई रिपीट, आई रिपीट, लास्ट डिजिट 7R, ब्लैक स्कॉर्पियो। आगे सीट लो, फास्ट। Sure.
किसी भी पल वो बलात्कार का हत्या का शिकार हो सकती थी। उनके अपहरण का मंजर एक चश्मदीद ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया था और देखते ही देखते वो वीडियो वायरल हो गया, एक ब्रेकिंग न्यूज बन गया। इस वायरल वीडियो ने पुलिस और प्रशासन दोनों को सख्ते में डाल दिया था और इस केस की कमान तुरंत नोएडा के SSP को सौंप दी गई और दोनों लड़कियों को सही सलामत बचाने की अफरा तफरी के बीच अपहरणकर्ताओं को भी इस वायरल वीडियो की खबर मिल गई। जैन सर, सेक्टर 22 के किडनैपिंग केस का क्या स्टेटस है? सर, ग्रेटर नोएडा और दादरी की सभी पेट्रोलिंग टीम्स अलर्ट पे हैं, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। वीडियो वायरल हो चुका है। ग्रेटर नोएडा और दादरी नहीं, हापुड़ तक अलर्ट भेजो और दिल्ली के बॉर्डर्स के आसपास जितने भी चेक पोस्ट हैं, सबके सब सील कर दो। ये काम किसी गैंग का लगता है। ये किडनैपर्स व्हीकल चेंज करके डायरेक्शन चेंज करने की भी कोशिश करेंगे। मुझे तो लगता है ये ब्लैक स्कॉर्पियो जो है, ये भी चोरी की हो सकती है। लेकिन सर, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और दादरी के सभी पुलिस स्टेशन में ब्लैक स्कॉर्पियो चोरी होने की कोई कंप्लेंट नहीं है। मैं दिल्ली की पुलिस से कॉन्टेक्ट करता हूँ। तब तक तुम पूरी कोशिश करो ये पता लगाने की ये लड़कियाँ कौन है। शायद उनके पेरेंट्स से बात करके किडनैपर्स की कोई लीड मिल सके। जी सर। मालती, मालती। अरे कहाँ थे आप? हाँ, मैं कब से आपको फोन लगा रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? फोन? अरे यार, दुकान पे भूल आया। एक काम कर, तू जल्दी खाना लगा, मुझे तुरंत वापस जा। अरे पहले अदिति का पता करो, पौने 3 बज गए, लड़कियाँ घर नहीं आई है। अदिति का भी फोन नहीं लग रहा है, नहीं वंदना का। रजनी, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। क्या हेलो, गाड़ी का लास्ट नंबर 7R है। दिल्ली के किसी भी थाने में ब्लैक स्कॉर्पियो की चोरी होने की कंप्लेंट दर्ज हो तो आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट करिएगा। श्योर। सर, अभी तक ब्लैक स्कॉर्पियो देखे जाने की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन हमारी पेट्रोलिंग टीम अलर्ट है। पुलिस इन्फॉर्मर से ये भी पता लगाने की कोशिश करो कि किडनैपर्स किस गैंग के हो सकते हैं। राइट सर। बाइक का नंबर नोट करना, UPXX102P। मुझे लगता है कि वीडियो में जो लड़का उस स्कॉर्पियो के पीछे गया, वो जरूर उन किडनैपर के गैंग से ताल्लुक रखता है। ये काम जरूर उस कमीने हरिओम का होगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। हाँ बोलो सिंह। सर, वो गोलगप्पे वाला मिल गया है। सर, सर अभी तक किसी भी सिग्नल पे ना कोई स्कॉर्पियो कैप्चर हुई है ना कोई बाइक। सर, हो सकता है वो लोग बाईपास से दादरी रोड की तरफ निकले होंगे, लेकिन अभी तक किसी भी पेट्रोलिंग टीम ने हमें कोई अपडेट नहीं दिया है। लगता है उन्हें इस वायरल वीडियो और ब्रेकिंग न्यूज के बारे में पता चल गया है और शायद वो ग्रेटर नोएडा और दादरी के बीच में कहीं छिपे हो, या फिर चुनिया के जंगल वाले रास्ते से वो हापुड़ का वायर रूट ले रहे हो। एक पेट्रोल टीम ग्रेटर नोएडा से इस रास्ते पर भेजो और दूसरी हापुड़ रोड से। हो सकता है कि इन रास्तों पर पड़ने वाले गांव में वो छुपने का प्लान बना रहे हो। जो वायरल वीडियो ने पहले ही ऐसी की तैसी कर रखी है और तुम लोगों ने लेने और देने के सिवा कुछ ना सोचा। वाया चुनिया विलेज हापुड़ रोड पे जाओ। आई रिपीट, वाया चुनिया विलेज हापुड़ रोड। राम राम सुबोध जी। अरे भाई, इस गिरे हुए को कैसे याद कर लिया आज? ये तूने अच्छा नहीं किया हरिओम। अरे बुरा तो आप चाहते हो हमारा और उल्टा हमें कोस रहे हो। अब कोसूंगा नहीं, थाने जाऊंगा और तेरी सारी नेतागिरी नहीं निकाली ना तो मेरा नाम भी सुबोध नहीं। सब माना कि वो दोनों लड़कियां अक्सर मेरे यहाँ गोलगप्पे खाने आती है, लेकिन हम ना उनका नाम जानते हैं ना ही पता। ये जो लड़का है इसे पहचानते हो? हाँ साहब, उन लड़कियों के साथ एक दो बार देखा है मैंने इसे।
सर, बाइक कीर्ति यादव के नाम सेक्टर 27 का इस एड्रेस पे रजिस्टर्ड है और ये इसका नंबर है। नंबर बोलो। 8285-48017। कीर्ति यादव, फ्लैट नंबर 16, सेक्टर 27, नोएडा। सर आपका मैसेज मिला। ये कीर्ति यादव का एड्रेस है, वही बाइक वाला लड़का जो स्कॉर्पियो के पीछे गया था। तुम इसके घर जाओ। ओके सर, सेक्टर 27, क्विक। सर सर, जिन लड़कियों का किडनैप हुआ उनमें से एक के फादर ने पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट किया था, दूसरी लड़की भी उन्हीं के साथ रहती है। जैन सर, लड़कियों की पहचान हो गई है। सेक्टर 22 में जाओ और उनके परिवार वालों से मिलो। एड्रेस मैसेज कर दिया मैंने तुम्हें। ओके सर। कीर्ति यादव यही रहता है? जी सर, वो मेरा रूममेट है। अभी कहाँ है वो? मालूम नहीं सर, हमें घर की तलाशी लेनी है। सर वो इस लड़की के लिए पागल था, प्यार करता है इससे, लेकिन ये लड़की उसे पसंद नहीं करती, फिर भी कीर्ति उसके पीछे ही पड़ा रहता है। कल तो सर इसने हद ही कर दी। नहीं सर, इस लड़के के बारे में अदिति ने हमें कभी कुछ नहीं बताया। हमें तो शक है कि किडनैपिंग वंदना के मामा हरिओम ने कराई है। वंदना के मामा? लेकिन वंदना तो आपकी भतीजी है, तो फिर उसके मामा वंदना और आपकी बेटी अदिति को क्यों किडनैप करवाएंगे? सर वंदना के पिता यानी मेरे बड़े भाई पहले गांव में रहते थे। 5 साल पहले मैं उन्हें, सावित्री भाभी और वंदना को अपने साथ यहाँ शहर में ले आया। 1 साल पहले भाई साहब का देहांत हो गया। भाभी तो अपने भाई हरिओम के घर चली गई और वंदना को हमारे साथ यहाँ पढ़ाई के लिए छोड़ दिया। पर अचानक भाभी के भाई ने उन्हें भड़का दिया कि वो मेरे घर में हिस्सा मांगे। भाभी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्रकाश भैया का इस घर में कोई हिस्सा नहीं। अरे क्या पता, मेरे जीजाजी के साथ कोई चाल चली हो आपने। जीजी का हिस्सा तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर धमकी दे रहा है। हाँ, धमकी दे रहा है। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। जेठानी जी, शुक्र मनाइए कि हम वंदना की पढ़ाई लिखाई और रहन सहन का खर्चा नहीं मांग रहे। हाथ का दिया आप तो गले ही पड़ गई। मालती, जबान संभाल के बात कर। बस भाभी, जब तक भैया थे ना तब तक हमारा रिश्ता था, लेकिन अब सब खत्म। निकले अपने गुंडे भाई को लेकर यहाँ से। चले चल, और वंदना को भी लेकर जाइए। चल, किसी को करा दूँ। चल सुबोध, निकल यहाँ से। ठीक ना कर रहा तू, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। अरे तू चल यहाँ। अरे छोडूंगा नहीं, बर्बाद कर दूंगा तेरे को। छोडू। उसने अदिति के साथ वंदना को भी किडनैप करवाया ताकि उस पर किसी को शक न हो। ये वंदना के मामा का नाम क्या है? हरिओम भागीरथ, दादरी में रहता है, वहां के विधायक का बाहुबली है। दरोगा जी, उस सुबोध का तो दिमाग खराब हो गया है। अब आप ही सोचिए, उसकी बेटी के साथ भला मैं अपनी भांजी को क्यों किडनैप करवाऊंगा? हो सकता है इसमें भी कोई चाल हो आपकी। कोई चाल ना है दरोगा जी। देखिए, मैं तो खुद नेताजी को बोलकर डीआईजी साहब को फोन करवा रहा था ताकि मेरी भांजी सही सलामत मिल जाए। डीआईजी साहब का तो पता नहीं, लेकिन मौका लगा तो बहुत जल्द एसएसपी साहब से मुलाकात हो सकती है आपकी। अदिति के फादर को वंदना के मामा पर शक था, लेकिन सर्कमस्टेंसेस इस किडनैपिंग में कीर्ति की भागीदारी की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन पुलिस अपहरणकर्ताओं तक पहुंचने के लिए हर शक और संकेत को 2 और 2 4 करके जोड़ रही थी। भले ही हरिओम भागीरथ मना करे, लेकिन आदिति के पेरेंट्स के शक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तुम उस पर नजर रखो, मैंने उसका फोन सर्वेलेंस में डाल दिया है। जैसे उसके कॉल रिकॉर्ड आएंगे, वी विल फिगर आउट कि उसके किडनैपर से क्या लिंक है। जी मल्होत्रा जी। सहाय, तुम जिस ब्लैक स्कॉर्पियो के बारे में पूछ रहे थे उसकी एक इंफॉर्मेशन मिली है। सांगवान, ये उन 4 किडनैपर्स में से हो सकता है। सर, सभी पेट्रोलिंग टीम को भेजो और पता लगाओ कि क्या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या। राइट सर। सर, कीर्ति यादव का फोन आधे घंटे पहले दादरी के बिस्ला गांव में बंद हुआ था।
पुलिस कीर्ति की फोन लोकेशन के जरिए किडनैपर्स तक पहुंचने का प्रयास कर रही थी, लेकिन तभी कुछ ऐसे सुराग सामने आए जिन्होंने पुलिस को दिशा तो दी लेकिन अपराध की फेहरिस्त बढ़ गई। ए, रुक, 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 रुक। क्या हुआ? ये बाइक कीर्ति यादव की तो नहीं लगती, नंबर अलग है। सिंह, यहाँ खून है, यहाँ कोई ना कोई कांड तो हुआ है, लेकिन ये कांड लड़कियों की किडनैपिंग से रिलेटेड है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। एक काम करो, आसपास सर्च करो। ओके। से कंप्लेन करके तूने अच्छा नहीं किया सुबोध। क्यों, डर लग रहा है? तू समझ नहीं रहा है, अरे आदित्य के साथ हमारी वंदना भी किडनैप हुई है। तू मुझे बेवकूफ समझता है क्या? अरे थू है तेरे जैसे आदमी पर, मुझसे बदला लेने के लिए अपनी भांजी को उठवा लिया। अगर मेरी अदिति को कुछ हुआ ना तो तू और तेरी बहन जिंदगी भर जेल में सड़ोगे, समझ ले। तू मुझे पपलू समझता है, पपलू समझता है मुझे? तेरी धमकी से डरने वाला नहीं हूं मैं, जो करना कर ले, कर ले जो करना है। पुलिस को जिस गांव में एएसआई चौहान की लाश मिली उसके आसपास उन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। और जल्द ही उन्हें एक महत्वपूर्ण लीड मिली। ये तो कीर्ति की बाइक है। अलर्ट। संभल के, उनके पास भी गन्स है। सब इंस्पेक्टर विनय की लाश मिलने के बाद पुलिस जिस डेड एंड पर पहुंची वहां अचानक उन्हें अपराध के नए सिरे नजर आने लगे। जिसे इस किडनैपिंग का मास्टरमाइंड समझा जा रहा था वो खुद हत्या का शिकार बन चुका था। उसकी हत्या क्यों हुई, इन सवालों में अदिति और वंदना तक पहुंचने के रास्ते ढूंढे जा रहे थे। पांडे, मैंने कीर्ति के कॉल रिकॉर्ड चेक किए लेकिन ऐसा कोई नंबर नहीं मिला जो उसे किडनैपर से कनेक्ट करे, लेकिन इतना साफ है कि वो उनका पीछा करते हुए ही वहां पहुंचा होगा। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि कीर्ति अदिति के प्यार में पागल था इसलिए किडनैपर्स के पीछे गया उसे बचाने के लिए? पांडे, कहानी कुछ भी हो सकती है, तुम बस इतना पता करो कि वो जगह किसकी है जहां कीर्ति की लाश मिली थी। जी सर। सर, ब्लैक स्कॉर्पियो चोरी करने वाले का ये जो स्केच सामने आया है, इसका नाम वीरेंद्र खत्री। ये वीरेंद्र खत्री एक लूट केस में जेल भी जा चुका है, करिया गांव का रहने वाला है। मैंने इंस्पेक्टर बिश्त को इसके गांव का पता एसएमएस कर दिया सर। जब से वो जेल से छूटा तब से घर नहीं आया है वो। दो लड़कियां किडनैप और दो मर्डर करके फरार है आपका बेटा। अगर झूठ बोला तो आपको भी क्रिमिनल की इन्फॉर्मेशन छुपाने के जुर्म में जेल हो सकती है। साहब, हम सच कह रहे हैं, हमें पता नहीं वो कहाँ है। हम तो खुद परेशान है उसकी इन हरकतों से। जब से उस हितेश बलियान से दोस्ती हुई है तब से हमारे हाथों से हमारा लड़का निकल गया। हितेश बलियान? हितेश बलियान? ये किडनैपिंग हितेश बलियान गैंग ने की? सर, 6 महीने से अंडरग्राउंड है वो। मैंने अपने सारे खबरियों को अलर्ट कर दिया, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है अपडेट करता हूँ आप। हाँ पांडे, बोलो। सर, बिस्ला गांव में जिस जगह कीर्ति यादव की लाश मिली थी वो हरिओम भागीरथ के नाम पर रजिस्टर्ड है। अरे आखिर बात क्या, एक मिनट तूने बताई सर। अरे साहब सुनिए, साहब एक फोन तो करने दे। ठीक है, बात करेंगे थाने में करेंगे। अरे साहब सुनिए, अरे बात क्या, अरे साहब देख साहब, जब से हितेश बलियान ब्लैकलिस्टेड हुआ तभी से मैंने उसे बायकट कर दिया है और सब मुझे फंसाया जा रहा है। इसमें हितेश बलियान के साथ साथ उस सुबोध का भी हाथ है। खुद
खुद को बचाने के लिए कुछ भी बके जा रहे हो? साहब, ये सुबोध बड़ा घुन्ना आदमी है। मेरी बहन को जायदाद में हिस्सा नहीं देना पड़े, इसलिए मुझे फंसा रहा है। जरूर सुबोध के बेटे ने उस हितेश बलियन को हायर किया होगा, और साहब अदिति को इसलिए उठवाया ताकि वो लोग ना फंसे। सुबोध का बेटा? हाँ साहब, केशव नाम है उसका। हफ्ते भर पहले उसने मुझे धमकी भी दी थी फोन पे। ए, ज्यादा हिस्सा करके मेरे पापा को परेशान मत कर। तू किसी का भी बाहुबली होगा, लेकिन मैं अपनी पे आ गया ना, तेरी बल्लियां उखाड़ दूंगा, समझा? साहब, ये केशव और उसकी भागती चाल है। पहले आपको मेरे खिलाफ भड़काया और फिर मेरे जगह पर लाश फेंकवा कर मुझे फंसा रहे हैं। साहब देखिए, मेरा कोई कसूर नहीं साहब, मैं बेकसूर हूँ, मेरा यकीन कीजिए साहब। वो सरासर झूठ बोल रहा है सर। हमारा बेटा केशव तो यहाँ रहता ही नहीं, वो तो चंडीगढ़ हॉस्टल में रहता है, और वो अदिति ही नहीं वंदना को भी अपनी सभी बहन समझता है। सर, सर सुबोध के बेटे केशव का फोन बंद आ रहा है। सांगवान, अगर हरिओम की भी इस केस में इन्वॉल्वमेंट होती तो वो लाश अपने बिस्ला वाले घर में क्यों रखवाता? सर, हितेश बलियान और हरिओम भागीरथ में पहले 36 का आंकड़ा हुआ करता था। सर, हो सकता है सुबोध के बेटे ने हितेश बलियान को उसके खिलाफ यूज करने का प्लान बनाया। एक नंबर नोट करो, 9576456693। ये नंबर केशव शर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड है। अगले 15 मिनट में मुझे इस नंबर के कॉल रिकॉर्ड चाहिए। सर, ये लोग पहले हितेश बलियान गैंग से जुड़े थे। सर, ये 1, 2 और 3 ये लोग तो अंदर है, बाकी बचे 2, इनमें से ये विनय है। सर, इसका गांव परसोनी में पड़ता है, जो बिस्ला से ज्यादा दूर नहीं है। सर, हो सकता है हितेश बलियान गैंग अदिति और वंदना को परसोनी गांव ले गए। ठीक है सर, मैं तुरंत परसोनी गांव पहुंचता हूँ। परसोनी गांव जल्दी। सर, केशव के फोन से इस नंबर पर पिछले कुछ दिनों से लगातार बात हो रही थी। सर, मैंने काफी बार ट्राई किया लेकिन ये नंबर स्विच्ड ऑफ आ रहा है। सर, ये नंबर सोनम गुप्ता के नाम पर रजिस्टर्ड है, नोएडा सेक्टर 7 का एड्रेस दिया है। जी साहब, सोनम मेरी बेटी है, कल से वो लापता है और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। सर, ये सोनम गुप्ता और केशव शर्मा का फोन कल रात एक ही साथ बंद हुआ था। सोनम और केशव एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे। स्कूल खत्म होने के बाद केशव चला गया चंडीगढ़ पढ़ाई करने के लिए, लेकिन हमें नहीं पता था साहब कि स्कूल के बाद भी ये दोनों आपस में एक दूसरे के टच में थे। और एक रोज अचानक सोनम उसे घर पे लेके आई। मम्मी, ये केशव है। साहब, सोनम केशव से शादी करना चाहती थी, लेकिन वो हमारी जाति का नहीं था, इसलिए मैंने और मेरे बेटे ने शादी से इनकार कर दिया। लेकिन साहब, वो केशव मेरी बेटी को भगा के ले गया। अभी कहाँ है आपका बेटा? साहब, मेरा बेटा तो कल से अपनी बहन को ढूंढने गया है। उसका मोबाइल नंबर? जी साहब। नाइन एट सेवन सिक्स जीरो नाइन एट सेवन। संजय नाम है ना इसका? हाँ सर, इसकी माँ बोल रही है कि कल रात से अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकला है, और अभी मैं उसको कॉल कर रहा हूँ तो वो उठा नहीं रहा है। सर, संजय गुप्ता का फोन भी परसों ही में एक्टिव है। सर, हम 5 मिनट में परसोनी गांव पहुंच जाएंगे। वंदना और अदिति के अपहरण के ठीक 7 घंटे बाद ही उन्हें सही सलामत पहुंचा लिया गया। यूपी पुलिस के जज्बे और सफलता के लिए क्राइम पेट्रोल उन्हें सैल्यूट करता है, लेकिन अपराध की यह घटना कहीं ना कहीं हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जैसे को तैसा सिखाने की मानसिकता सिर्फ और सिर्फ
अपराध को ही जन्म देती है। भले के साथ हमेशा भला हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो बुरे होते हैं उनके साथ हमेशा बुरा ही होता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।